थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए इंदौर में 36 घंटे लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन के मौके पर इंदौर कलेक्टर इलैया रजटी और साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। संभवतः देश में इतने लंबे समय तक चलने वाला यह पहला रक्तदान शिविर है जो लगभग 36 घंटे निरंतर जारी रहेगा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए शहर के जागरूक नागरिकों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रक्तदान शिविर के आयोजक मोहित वर्मा ने बताया है कि इस शिविर का लक्ष्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स शिविर में आकर रक्तदान कर सकता है। एक यूनिट रक्त देने से दानवीर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चे और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान अवश्य आ जाएगी। मोहित वर्मा ने बताया कि 36 घंटे तक लगातार रक्तदान शिविर लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो सके और थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों की मदद की जा सके। रक्तदान शिविर को लेकर शहर के संवेदनशील नागरिकों ने भी अपनी महती भूमिका निभाई और शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। भारत का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर कहा जा सकता है और साथ ही में यह रक्तदान शिविर रक्तदान को लेकर भी जरूर कीर्तिमान रचेगा। आज यहाँ भोलाराम उस्ताद मार्ग पर हमने निरंतर चलने वाले 36 घंटे रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हमारा आयोजन का मुख्य लक्ष्य जो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनकी सहायता हेतु है। और अभी यहाँ पर हमारे जब आयोजन की शुरुआत हुई, जब हमारे माननीय महापौर जी, माननीय कलेक्टर साहब, डॉक्टर निशान खरे जी, अरविंद तिवारी जी उपस्थित रहे और हमने सबसे पहले जो थैलेसीमिया की ग्रसित बीमारी से जो ग्रसित बच्ची है उसका पाद पूजन करने के पश्चात हमने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। हमारे लिए एक बहुत ही कल दुखद घटना रही कि हमारे एक थैलेसीमिया की एक बच्ची वर्षा, जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी, वो असमय हमारे बीच से चले गई। और हमने और संकल्प लिया, हमारे संकल्प को और दृढ़ निश्चितता बनी कि हम अधिक से अधिक मात्रा में आज रक्तदान कराएं और थैलेसीमिया के जो इस बीमारी से ग्रसित है उनकी हम अधिक से अधिक सहायता कर सकें। 36 घंटे लगातार चल रहा है क्या, इससे पहले इस तरह का आयोजन हुआ या पहली बार? हाँ, अभी तक हमने जो सुना है भारत में एक स्थान पर इस तरह का लंबा आयोजन नहीं हुआ। हमने ये ऐसा संकल्प पहली बार भारतवर्ष में लिया गया और 36 घंटे का पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार आयोजन किया है। कितनी मात्रा में यूनिट इकट्ठा होने की संभावना? हमने अधिक से अधिक संख्या में यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य लिया। लगभग हमको उम्मीद है कि हम 2000 यूनिट तो क्रॉस करेंगे। क्या संदेश देना? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जिसको भी जब भी अवसर मिले रक्तदान करने का अवश्य रक्तदान करें। एक यूनिट रक्तदान करने से कम चार जो पेशेंट है, चार जिंदगियों को एक नया जीवन मिलता है। मोहित संतोष वर्मा। इनकी शिक्षा दीक्षा और संस्कार है कि मोहित बहुत अच्छा मित्र है, उन्होंने भी आइए ना, हमेशा ऐसे सेवा के समर्पण के कामों में रहते हैं और उसी दिशा में ये एक ऐसा अनूठा सेवा का यज्ञ लगातार 36 घंटे। रिपोर्ट।